सब्सक्राइब कीजिए एक्सपर्टीज बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए हो गया, बस इतना सा हमें अभी तक बनाया। उसके बाद आपको करना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हो यार, सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ आप लोगों के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कस्टम ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्या दिखाऊँ, फोटो ऐड करके या टेक्स्ट ऐड करके? चलिए मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया लोगो, जो अभी चल रहा है वो नहीं है, ये मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब ये अभी रिलीज हुआ नहीं है, ये काम चल रहा है मेरा इसका, सब कुछ साथ में रिलीज करने वाला हूँ, बहुत कुछ नया आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो ये मेरा जो है, अब इसको ट्रांजिशन में जाके आप खुद का लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ प्रीसेट है, लेकिन यार क्या यार, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि इसमें है ही ना, कुछ यूनिक कुछ नया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ उस टाइप का कैसे बन पाएगा। आपको तो जाना है यहाँ पे इसमें इवेंट पैन क्रॉप, हाँ जी इसमें ही जाना है, इसमें ही है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे आपको ये और ये जो एक नीचे छोटा सा टाइमलाइन दिख रहा है ना, इसमें आप अपना ट्रांजिशन को हर एक फ्रेम में कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ कैसे मूव कर रहा है, वो सब आपको डाल देना है, और बाद में आपका ट्रांजिशन बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा कूल है यार, मस्त है। लेकिन आपको एक बार यहाँ पर ध्यान रखना है टाइम्स का, आप कितना टाइम, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ट्रांजिशन लगाना है, वो 1-2 सेकंड लगाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल करके दिखाऊँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, तो इतना भी सिंपल नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0000, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे जैसे आप दिख रहे हो उस टाइप का दिखेगा। अगर मैं उसको इसको थोड़ा ऐसे, सबसे पहले हाँ ये देखिए क्या हो गया, तो उसके लिए आपको करना है ये दोनों को लॉक कर दीजिए, अब इसको कर दीजिए जूम, फिर भी यहाँ पे ये ब्लैक बार से आ रहा है, कट हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए व्हाइट स्क्रीन कर दीजिए, ये हो गया ठीक। अब मैं इसको ऐसे, मैं क्या करता हूँ, जूम ऐसे आउट हो जाएगा, फिर वो घूमेगा, फिर जूम इन हो जाएगा, तो वो दिखाऊंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है, मैंने स्टार्टिंग वाला फ्रेम एकदम जूम इन करके रखा हूँ। अब आपको इतने डिस्टेंस पे से मैंने इसको कर लिया, इतना बड़ा कर लिया, फिर इतने डिस्टेंस पे इतना बड़ा कर लिया, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे नहीं आ रहा है उसका टेंशन अभी नहीं लेना है। फिर इतना बड़ा किया, इतना आया, फिर इतना किया, इतना आया, फिर इतना किया, इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम बाय फ्रेम करके देखो, क्योंकि जो प्ले होगा, अब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं, वो 0.5 सेकंड का है, तो क्या पता लगेगा आपको, चला जाएगा। तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए हो गया, बस इतना सा हमें अभी तक बनाया। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे से, मैं थोड़ा डिस्टेंस दे देता हूँ उस टाइम तक, मतलब यही वाला फ्रेम कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पे मैं करूँगा कि क्या बोला था मैंने, रोटेट टाइप का कुछ, तो मैं अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रेम में मैं ऐसे कर दूँ, नेक्स्ट फ्रेम में ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, हाँ, तो इसी टाइप से आपको बनाना है। अब आपको किस टाइप का ट्रांजिशन चाहिए वो डिपेंड करता है, से मैंने इतना बना दिया, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब ये मेरा बेकार का इसलिए बना है, हाँ यहाँ तक, यहाँ ठीक था, वहाँ थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत पोजीशन ले लिया था। तो आपको ये फ्रेम बाय फ्रेम करते रहना है। फिर मैं इसको अगर कर देता हूँ ऐसे सेंटर पर लेके आया, और इसको कर दिया थोड़ा ऐसे, देखिए ऐसा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको पता लगेगा, सेंटर पे आया, आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा किया हूँ, इसको कर तो जूम, देखिए वहाँ पे दिखते हैं आपको रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ चला गया वो नहीं दिख रहा है, तो आपको पोजीशन में दबाना है, ठीक है, हाँ पोजीशन में दबाने के बाद वो आ जाता है आराम से, कर दिया, और इसको फिर से जूम इन करके जूम इन कर दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेम बैक, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली वो हो गया जूम इन। वैसे लोगों कैसा लग रहा है यार, नीचे कमेंट में बताओ यार, मैं उसके लिए बहुत मेहनत किया हूँ, कुछ नया सोचा था ना। तो दोस्तों यही था सिंपल तरीका एक ट्रांजिशन बनाने का। आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी किया ये पूरे क्लिप्स के लिए किया हूँ दोस्तों,
और आपको 2 सेकंड के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे से मुझे यहाँ पे चले मुझे इतना डिस्टेंस 2 सेकंड के लिए चाहिए ना, इसको स्प्लिट करके चेंज किया, यहाँ पे आपको इवेंट पैन एंड क्रॉप में जाके जो इफेक्ट करने कर लीजिए और फिर ये कॉन्स्टेंट रह जाएगा। फिर उसके बाद जो और फिर से ट्रांजिशन डालने डाल सकते हो अपने के हिसाब से, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है अगर कुछ अवेलेबल नहीं है खुद से बनाओ या कुछ यूनिक सोचो कुछ नया सोचो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन कैसे खुद से बनाते हैं। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करो शेयर करो, कुछ मन में प्रॉब्लम है अभी फटाफट नीचे कमेंट में बताओ यार, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ यार बस आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।